पहली बार मीडिया वर्कर को किसी ऐसी स्कीम में शामिल किया, वरना तो मीडिया वर्कर का तो कोई पुराने हाल ही नहीं था। और अब ये करोड़ का एक ग्रांट पूरे पाकिस्तान से मीडिया वर्कर जन इसके साथ साथ रजिस्टर होंगे, बहुत जबरदस्त, ये अप्रिशिएट करते हैं आपके इस काम को। लेकिन इसमें जो सैलरी और ये जो बात की गई थी प्रेस क्लब के मेम्बरान, तो वो मुल्क भर में जो जब पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी ऐसे ही मीडिया वर्कर प्रेस क्लब के मेम्बर नहीं होंगे। और दूसरा, उनको जो बाहर शहर इस्लामाबाद या दीगर जो अजला है उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, बेशक जर्नलिस्ट ही हैं, उनको सैलरी का एक है ही नहीं, सब के सैलरी ली है, तो ये थोड़ा सा अभाव है, इसको भी क्लियर कर। पहली बात तो यहाँ कहीं मैंने नहीं लिखा कि खाली प्रेस क्लब के मेंबर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, किसी जगह के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली एक सर्टन नुमाइंदगी करता हुआ अदारा जो है उसके अंदर ये लोग रख सकते हैं। मैंने तो इसी को इसीलिए ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, इसीलिए इसको मजीद बेहतर करने के लिए, और ताकि इसका फ़ायदा अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस द कंट्री मिल सके, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली प्रेस क्लब का नुमाइंदा अप्लाई कर सकता है या जो भी। इसमें सिर्फ लिखा यह है कि अगर आप किसी प्रेस क्लब के साथ अपनी नुमाइंदगी आपकी है, आपकी रजिस्ट्रेशन है, तो वो दर्ज करते हैं, अगर नहीं है तो नो लिखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आ रही है, बहुत अच्छा काम है, इसकी जितनी तारीफ की जाए काम है, क्योंकि ये बरकत का मामला है। और हम ये देख रहे हैं कि कल से एक आवाजें इसके खिलाफ सुनाई दे रही हैं, बास मीडिया मालकान के जो एजेंट नाम निहाद कायदीन हैं वो इसके खिलाफ आके मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं। और आप ये कह रही थी कि आपने किसी तंजीम के कायदीन से मुशावरत भी की थी, वो किनसे मुशावरत की गई थी? और निशानदेही ये करनी है कि इस बिल में जो साथियों के मामला थे उस पर पीआरए ने बहुत अहम किरदार अदा किया, ये तमाम वो निकात थे जिसमें काम किया गया पीआरए के बॉडी में, उसका ना कहीं जिक्र है, ना उनको किसी जगह ऐड किया गया। और वैसे ही जो साफी तंजीम है वो बहुत फौजत है पीआरए से, एक तो उसको कहीं पीआरए को भी इम्प्रूव करना चाहिए, और दूसरा ये काम शायद आपके हाथ से होना था और आपकी हुकूमत को क्रेडिट जाना था। एक दफा फिर शुक्रिया। दूसरे बता दें कि निगरान वजीर आजम के लिए कोई फैसला हो चुका है? इसहाक डार साहब का इत्तेफाक राय का नाम चल रहा है, क्या उसका फैसला हो गया? देखिए, पहली बात तो आपने अच्छा एक वो किया कि अभी तक कोई भी नुमाइंदा बॉडी जो कि इस बिल को बनाने में जिन्होंने मेरी मुआवनत की, रहनुमाई की, अपना हिस्सा डाला, इनपुट डाली, किसी ने इस बिल के खिलाफ बात नहीं की, कोई स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। वही मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले हल्के झूठ बोल रहे हैं, और किसी ने ऑन रिकॉर्ड पीबीए की स्टेटमेंट आ चुकी है ऑन रिकॉर्ड इसके वो इसमें फैसला साजी में हिस्सादार थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का जो इसकी कमेटी का जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा थे उसमें किसी किस्म की कोई भी स्टेटमेंट इसके खिलाफ नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपने पीआरए का जिक्र किया, मैंने पीआरए के साथ खुद काम किया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, आपको मालूम है उस्मान इस बात का, उसको हम ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है जो इसके अंदर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है उसका हिस्सा बना देते हैं। तीसरा, आपने बात की केयर टेकर, इससे पहले अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई बात है तो मैं आखिर में इसका जवाब। थैंक यू सो मच मैडम कि आपने किया, और मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ क्योंकि बात और आ रही है जो प्रेसिडेंट, डेफिनेटली हमने आपको प्रेस क्लब बुलाया और इस बात का शुक्रिया अदा किया था कि हेल्थ के मामले में आपने जो पहन लिया उसका समर डेफिनेटली हमारे सारे मेहमान या पाकिस्तान के अंदर बसने वाला अब जो काम करने वाला जर्नलिस्ट है वो इसका फायदा उठाएगा। लेकिन साथ आपसे ये भी बात हुई थी कि डेथ क्लेम के हवाले से आपने कमिटमेंट की थी, उस पर क्या हुआ वो जरा बताइएगा। और बाकी तो डेफिनेटली जो बिल के ऊपर बात होनी है उस पर रिएक्शन बहुत सारे लोगों का भी आ भी रहा, और हम ये चाह रहे थे कि जो वर्कर्स की तनख्वाहों का इशू है वो इमीडिएट सूरत में हल हो, लेकिन उसके अंदर 2 माह का एक टाइम दे दिया गया। देखिए, पहली बात तो ये है, पहली बात नंबर 1 आपने की कि डेथ क्लेम की मैंने कमिटमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह जो कमिटमेंट की है वो सारी आज पूरी की है। ये डेथ क्लेम मैं जाती तौर पर कुछ ऐसे सहाफ़ियों को ज़रूर जानती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, कि जिनकी डेथ के बाद उनके लवाइकीन, उनके बच्चे, उनकी बेवा के मैं तासुर मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो किन हालात में चले गए, जिनकी पीआईडी कभी मैं अगर कह दूं या कोई कह दे जो भी उस वक्त उस मनसब पे हो तो वो हेल्प तो कर सकता है, लेकिन एक कंटिन्यूस हेल्प जो है वो नहीं होती। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से इस बात को डिस्कस की है, ये मेरे पास चीज़ मौजूद है और मेरे उसमें भी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब जिस तरह का एक विज़न रखते हैं, जिस तरह का एक इमोशन रखते हैं, जिस तरह की उनकी शख्सियत है,
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। और जब ये हेल्थ इंश्योरेंस हम इंशाल्लाह 7 तारीख को इसका इजरा करेंगे कार्ड का, तो कोई खबर आपको जरूर। मैडम 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 मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि 1 अरब आपने ये पहली दफा हुआ जो 1 अरब ये मुख्तस हुआ ये जर्नलिस्ट वगैरह के लिए, तो ये पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अब आप यूट्यूब नजर लगा सकती हैं, तो ये इसमें आप समझती हैं कि ये मतलब थोड़ा सी नाकाफी होगा, मतलब 1 अरब भाई मेरे इसको शुरू होने दें। गालिबन 50,000 फर्स्ट फेज में है और उसके बाद ये रुकना नहीं है, ये पहले रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करें, देखें आपके पास लोग कितने आते हैं, कितना रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद ये कोई ये नहीं है कि ये फिक्स्ड है, ये अगर ज़्यादा डिमांड आ गई, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है, आपने इसको टेस्ट करना है, इसके अंदर से आपको लेसन लर्न मिलेंगे और उसके बाद इसके अंदर मजीद बेहतरी आएगी। अच्छा करने दें करने दें जी बताएं जी। मैडम पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिना शबा आपकी हुकूमत ने अपने हर दौर में कौमी फलाह बहबूद के वो मनसूबे आगाज किया, उनको पाए तकमील तक पहुँचा है, जिसकी उससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, उसके बाद कोई मिसाल नहीं मिलती। खुश आइन है, खुशकुन है, खुश खून खुशक दौर गुजर गया, खुशकुन दौर आ गया है और इंशाल्लाह आगे भी होगा। एक गुजारिश है कि इसमें शफाफियत को कायम रखा जाए, मैं इसकी अहमियत को समझता हूँ कि गुज़िश्ता 44 माह से मैं भी शरीफ बीमार हूँ, फारिश का अटैक हुआ मुझे, मनहूसियत के 44 माह गुजर चुके हैं, तो मैं इसकी अहमियत को समझता हूँ कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। आपने जो ये कदम उठाया है इससे पहले भी आपने, तो इसको कायम रखिएगा, इसका दाइफा कीजिएगा और इसमें शफाफियत जो है ना उसको कायम रखिए ज़्यादा। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा एक अहम रुकन रहे हैं, हमेशा रहनुमाई करते रहे हैं, आपका मेरे साथ एक ताल्लुक भी है और आपका सहाफत के अंदर जो एक रोल है उससे वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको डिजिटल किया गया कि ये किसी की सिफारिश पे किसी की उस पर ये नहीं होगा, ये खुद सेल्फ जनरेटेड फॉर्म है, आप इसमें डेटा डालेंगे, आप रजिस्टर होंगे और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट्स बना दिए गए, तो इसमें शफाफियत। उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इसको रजिस्टर करें वो अगर किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि इसको हासिल करके आप किसी का हक मार रहे होंगे, तो ये सारा डिजिटल कर दिया गया है इसको। अभी एक अब्दुल बासित ख्वाजा साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान और उन्होंने कहा है कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये प्राइम मिनिस्टर का जर्नलिस्ट का हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको उसकी रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट किया है और उन्होंने कहा है ये हेल्थ कार्ड से कैसे फ़र्क होगा, तो उनको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, और एक अच्छा सवाल है और उस सवाल को मैं एक्सप्लेन करने के लिए जिन जिन के जहनों में ये सवाल है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर हेल्थ कार्ड है वो बिल्कुल एक अलग स्ट्रीम है, इसीलिए इसको हमने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जम नहीं किया और खाली जर्नलिस्ट के लिए जो है वो PID लेवल के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन लेवल के ऊपर एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के तहत हमने ये स्टार्ट किया। अगर इनमें से कोई भी सहाफ़ी प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड ले रहा है ऑलरेडी तो वो इसका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक कॉलम है जिसमें आप डालते हैं इंफॉर्मेशन और नादरा के आपके ID कार्ड के साथ सब कुछ लिंक्ड है, तो आप तो डेटा डाल देंगे मगर उसके ऊपर एक डेटा चेक की ट्रांसपेरेंसी लेयर है, आपके ID कार्ड नेशनल ID कार्ड के साथ ये बात लिंक होती है कि आप मुल्क के अंदर कौन सा सोशल जो रिलीफ है, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो BISP हो, कौन सा फंड आप ले रहे हैं वो सामने आ जाता है जब भी आप उसमें आपका ID कार्ड डलेगा, तो ये एक डुप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है, ये एक अलग स्ट्रीम है, अगर आप वो ले रहे हैं तो इसके अंदर ऐड नहीं हो सकेंगे, अगर आप वो नहीं ले रहे और आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। मैडम नो डाउट कि आपने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्वेश्चनेबल हैं, एक तो ये है कि ये जो जिन लोगों की इंश्योरेंस होगी वो कहाँ इलाज करवाएंगे, क्या सरकारी हॉस्पिटल में उनको भेजेंगे या प्राइवेट सेक्टर में उनको भेजा जाएगा, और उसके अलावा कितनी लिमिट होगी कि वो इलाज कितने पैसों का अगर है उसका या अनलिमिटेड है, मिसाल के तौर पर एक नौजवान साहब बैठे हैं, इनकी एक परमानेंट बीमारी है,
तो इनके लिए क्या होगा कि ये कहाँ जाएंगे और इनको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? पहली बात तो है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ये एक आपको मिल जाएगा कि आप किस तरह कवर्ड हैं, पूरे साल के लिए कैसे कवर्ड हैं, पोस्ट इलाज के लिए कैसे कवर्ड हैं, पोस्ट ऑपरेशन के लिए कैसे कवर्ड हैं, अगर आपको कोई डेथ रिस्क रिलेटेड एलिमेंट है उसके लिए आप किस तरह हॉस्पिटल के अंदर कवर्ड हैं। और जो आपने जो बात की कि हॉस्पिटल्स कौन से होंगे, वो हम जो स्टेट लाइफ के पैनल है जो ऑलरेडी हेल्थ चला रहा है उसके साथ हम इस पार्टनरशिप में हैं और उनके अंदर तमाम हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और उनके पैनल के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं और ये 2013 से वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें वो अपडेट भी करते हैं, पैनलिंग भी होती है, इम्पैनलमेंट्स भी इंक्रीज होते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है, एक प्रोसेस इवॉल्व हो गया, तो उसको हम करेंगे। जो जो इसमें एलिजिबल होगा उनके पास पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक एलिजिबिलिटी का और क्या किस किस चीज से वो एलिजिबल हैं वो उनके उनको फ्राम कर दिया जाएगा। जवेद हुसैन साहब, मैं जैसे कि मुल्क भर में जाली साहबियों की भी भरमार है और वो हमारी तंजीमों पर भी हावी है और दूसरी जानी बात डिस इंफॉर्मेशन की जो बात कर रही है, कानून साजी की जा रही है, उसमें बड़ा हिस्सा उन जाली साहबियों का भी है जो कि डिस इंफॉर्मेशन के अंदर आला कार बनते हैं। तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कैसे बाइफर्केट किया जाएगा, क्योंकि पीएलडी में तो हजारों ऐसे डेक्लेरेशन मौजूद है जो डमी अखबार छप रहे हैं, तो किस तरीके से बाइफर्केट करेंगे कि जेन्युइन साहबी कौन है जिसको आपको इंश्योरेंस देनी है और जाली कौन सा? देखिए, इसके अंदर इसीलिए 4 चेक्स लगाए गए हैं कि आप कौन से अदारे में हैं, आप किस प्रेस क्लब से एफिलिएटेड हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त और अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।